हमने जब अभी तक क्वेश्चन किया था बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, सो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बेटा हमने क्या किया था, बैलेंस एज पर कैश बुक किया था। सो वहां पर हम क्या करते थे बेटा, जब हम बैलेंस एज पर कैश बुक करते थे तो जो भी चेंजेस होते थे, यानी जो भी प्लस या माइनस करना होता था बेटा रिकंसिलिएशन के लिए, वो हम हमेशा कैश बुक में करते थे। अभी हमें समझना है बेटा बैलेंस एज पर पासबुक के बारे में। तो इसका मतलब ये बेटा कि अगर ये हमारा कैश बुक है और ये हमारा पासबुक है, मान लो बेटा 10,000 दोनों में से है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ चेक इश्यू हुआ बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक, तो चेक इश्यू हुआ तो आपके पास से पैसा चला गया लेट से, बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो बेटा कैश बुक शो करेगा 6,000 रुपीज बट पासबुक शो करेगा 10,000 रुपीज। पहले बताओ यहां तक सारे बच्चे क्लियर, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज बेटा कि अगर आपको ये चीज शो हो रहा है कि ये बैलेंस एज पर मतलब पासबुक है, क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, तो बेटा अब हम जो भी चेंजेस यानी जो भी प्लस या माइनस करना होगा वो कौन सी बुक में करेंगे, पासबुक में करेंगे। तो इसका मतलब ये बेटा कि अब हमें कैश बुक को पासबुक के इक्वल नहीं करना, अब हमें पासबुक को कैश बुक के इक्वल करना है। क्या करेंगे, अब हम माइनस करेंगे पासबुक में, सो बेटा पासबुक विल बी इक्वल टू दी कैश बुक। पहले बताओ ये बात समझ में आई सब बच्चों को। अब देखो इसको ना प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा ट्रिक बताता हूं, अगर ट्रिक पे अगर आप लोग फोकस करें बेटा, तो हमने ये देखा था कि जब हम बैलेंस एज पर कैश बुक करते थे बेटा, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसको हम कैश बुक में ऐड करते थे। सिमिलरली बेटा चेक और कैश डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर या डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इसको भी हम कैश बुक में प्लस करते थे। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया हो या इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया हो, इसको भी हम क्या करते थे, कैश बुक में ऐड करते थे। बिल्स रियलाइज हो गए या रॉन्ग क्रेडिट हो गया, तो इन सारे आइटम्स को हम बेटा कैश बुक के ट्रीटमेंट में ऐड करते थे। बट यही सारे आइटम्स बेटा जब हम बैलेंस एज पर पासबुक करेंगे तो इन्हें हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। पहले बताओ ये बात समझ में आए, ठीक है, ओके। एंड सिमिलरली बेटा जो जो आइटम्स हम कैश बुक के बैलेंस में माइनस करते थे, ठीक है, वो सारे आइटम्स अब बेटा आपके बैलेंस एज पर पासबुक में प्लस हो जाएंगे। ये बात समझ में आए, ओके। अब अगर इसका आप लोग को मतलब रीजन समझना हो कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो चलो पहले रीजन समझते हैं। एक बात बताओ, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता था या नेगेटिव, पॉजिटिव होता था, बिल्कुल। एंड बेटा सिमिलरली कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता था, ओके। और अगर आप लोगों को ध्यान हो बेटा तो पासबुक, पासबुक के अंदर बेटा ये रूल बिल्कुल रिवर्स हो जाता था, मतलब पासबुक का अगर हमारे पास बेटा डेबिट बैलेंस गिवन हो, हम उसे पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव। एंड बेटा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, सो अगर आप देखो बेटा तो रूल बिल्कुल ऑपोजिट यानी रिवर्स हो रहा है। सो दिस इज व्हाई बेटा स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट भी बिल्कुल रिवर्स होंगी, मतलब जो आइटम्स पहले हम प्लस करते थे कैश बुक में, अब उन्हीं आइटम्स को हम पासबुक में क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ये बात समझ में आए, ओके। सो बेटा अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस गिवन है, तो बेटा अब हम फॉर्मेट, जो हमारा फॉर्मेट होता था, कि फॉर्मेट कैसे होता था बेटा, दिस इज पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर यहां पर बेटा हम मेंशन करते थे प्लस, यहां पर हम मेंशन करते थे माइनस। तो बेटा अगर अब आपके पास पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, सो वी विल राइट दिस एज बैलेंस एज पर पासबुक, और बेटा फिर सारे आइटम्स को हम प्लस वाले आइटम्स को प्लस साइड अमाउंट मेंशन करेंगे, माइनस वालों को माइनस साइड। नाउ बैलेंसिंग फिगर किस नेम से आएगा बेटा, ये बताओगे आप लोग, अगर राइट right. क्योंकि ऊपर बेटा बैलेंस एज पर पासबुक है, सो नाउ नीचे बैलेंस एज पर क्या आएगा, पहले बताओ सारे बच्चे क्लियर, ओके। एंड मान लो बेटा अगर ऊपर हमने ये चीज मेंशन किया होता, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ठीक है, अगर मैंने ऊपर मेंशन किया होता ओवरड्राफ्ट एज पर
पासबुक। तो बेटा ओवरड्राफ्ट का मतलब है पासबुक का पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव। तो उसका अमाउंट को हम लोग नेगेटिव यानी माइनस कॉलम में लिखते, बट जो बैलेंसिंग फिगर आता वो बैलेंसिंग फिगर किस नेम से आता, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश फ्लो। पहले बता, बात समझ में आ गई सब बच्चों को? ओके, अब एक एक करके समझ लेते बेटा कि किस किस आइटम्स को हम क्यों एक बार प्लस करते बेटा। सबसे पहले कि मैंने बेटा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है? अब ध्यान से समझना बेटा। सो लेट से दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक। दोनों में बेटा लेट से 10,000 10,000 का अमाउंट था पहले से, ठीक है, इक्वल था। चेक डिपॉजिट किया है कस्टमर ने, तो बेटा कस्टमर की बुक कौन सी होती है? ओके, एंड बेटा अगर चेक डिपॉजिट किया है तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। तो बेटा चेक डिपॉजिट किया है कस्टमर ने, तो कस्टमर की बुक लेट से कैश बुक है, 5,000 इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? लेकिन बेटा नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है, तो अभी कैश बुक कितना शो कर रहा है, 15,000, बट पासबुक शो कर रहा है 10,000। माई क्वेश्चन इज, अभी हम बैलेंस किसको करने वाले हैं? और बेटा पासबुक को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बताओ। सारे बच्चे इस पॉइंट को समझ गए हैं? एवरीवन ठीक? ओके, देन बेटा चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर, ठीक है? चेक या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ बेटा, डिसऑनर हो गया। तो इसका मतलब ये कस्टमर ने चेक 5,000 रुपीज का या बिल 5,000 रुपीज का डिपॉजिट तो कर दिया था, बट बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया, मतलब कैश बुक में तो ऐड हुआ है लेकिन पासबुक में उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई है। अगेन हमें पासबुक में क्या करना पड़ेगा उसको रिकनसाइल करने के लिए, ऐड। पहले बता सारे बच्चे समझे? एवरीवन ओके। नेक्स्ट बेटा बैंक चार्जेस चार्ज। अब एक बात बताओ, बैंक ने चार्जेस चार्ज किए, रुक जाओ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, बैंक चार्जेस चार्ज का मतलब ये कि बेटा बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट किए हैं। तो बेटा बैंक ने अगर चार्जेस डिडक्ट किए हैं तो कहां से डिडक्ट किए होंगे, बैंक यानी पासबुक से या कैशबुक से? चलो मैं बोलता हूँ 2,000 रुपीज बैंक ने बेटा चार्जेस डिडक्ट कर लिए, बट देयर इज नो ट्रीटमेंट इन कैश बुक। तो बेटा अभी हमारा पासबुक शो कर रहा है 8,000, बट कैश बुक इज 10,000। हमें बैलेंस किसको करना है, क्या किया जाएगा, किसमें, पासबुक में, राइट? पहले बताओ सारे बच्चे यहां तक क्लियर? एवरीवन ओके। सिमिलरली बेटा बैंक ने अगर इंटरेस्ट चार्ज किया हो बेटा, तो अगेन वो पैसा कहां से डिडक्ट हुआ होगा, पासबुक में से डिडक्ट हुआ होगा, तो उस केस में भी हमें सेम ट्रीटमेंट करनी होगी। नेक्स्ट है बेटा डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। अगर बेटा बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया तो सबसे पहले पैसे कहां से डिडक्ट हुए होंगे, पासबुक में से, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक कैश बुक में नहीं हुई है। तो बेटा पासबुक को कैश बुक के इक्वल करने के लिए फिर हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या सारे बच्चे यहां तक समझ गए? ओके, नेक्स्ट है बेटा रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक। बेटा बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया यानी पैसे डिडक्ट कर दिए। तो बेटा अगर बैंक ने रॉन्गली डेबिट किया है तो सबसे पहले पैसे कहां से डिडक्ट हुए होंगे और हमें फिर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बताओ सारे बच्चे क्लियर हो? ओके, नेक्स्ट है बेटा चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। मतलब बेटा क्या नाम है, कस्टमर के पास चेक तो आ चुका है, कस्टमर ने चेक रिकॉर्ड तो कर लिया है लेकिन अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। तो इसका मतलब ये बेटा कि अगर कस्टमर ने चेक रिकॉर्ड कर लिया है तो कस्टमर के पास पैसे आ गए, तो बेटा कस्टमर की बुक कौन सी बुक, ओके, सो कैश बुक में तो पैसा आ गया बेटा बट अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है। सो कैश बुक शोज 15,000 बट पासबुक शोज 10,000। एंड बेटा बैलेंस करने के लिए हमें पासबुक में क्या करना पड़ेगा, वापस से 5,000 ऐड करना पड़ेगा।
यहां तक सारे बच्चे अच्छे से क्लियर हो गए? ओके, अब हम बात करते हैं बेटा कि क्या क्या आइटम्स हैं जिन्हें हमें डिडक्ट करना होता है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये मैंने आपको समझाया। देन बेटा चेक और कैश डायरेक्टली डिपॉजिट इन टू द बैंक। बेटा अगर ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है, दोनों में पहले से 10,000 और 10,000 का अमाउंट था बेटा। अब एक बात बताओ, डायरेक्टली डिपॉजिट इन टू द बैंक, अगर हमने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया लेट्स से 3,000 रुपीज, तो बेटा सबसे पहले पैसे कहाँ आए होंगे? पासबुक में। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट कैशबुक में नहीं हुई है, तो पासबुक शोज 13,000 बट कैशबुक शोज 10,000। बेटा हमें बैलेंस किसको करना है, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 3,000। पहले बताओ बात समझे सारे बच्चे? ओके, देन बेटा इंटरेस्ट या डिविडेंड अलाउड बाय द बैंक। बेटा अगर बैंक ने इंटरेस्ट या डिविडेंड अलाउड किया है तो आपके पास पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। और बेटा सिंस बैंक ने अलाउ किया तो सबसे पहले पैसा कहां आएगा? पासबुक में पैसा आएगा। सो बेटा पासबुक में पैसा ऐड हो गया है बट अभी तक उसकी कैशबुक में ट्रीटमेंट नहीं हुई है, हमें बैलेंस करने के लिए फिर पासबुक में से क्या करना पड़ेगा? बाकी बच्चे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीवन क्लियर? ओके, देन बच्चे बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज, ठीक है, सिमिलर थिंग है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज हुआ, पैसा कहां आया होगा? सबसे पहले बैंक में आया होगा, तो बैंक एंड पासबुक इंक्रीज हो गई है, वापस से माइनस करेंगे। एंड अगर रॉन्ग क्रेडिट बैंक ने दे दिया बेटा, तो अगेन आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया होगा यानी पासबुक, तो फिर हमें उसको वापस से इक्वल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। क्या सारे बच्चों को ट्रीटमेंट अच्छे से क्लियर है? तो बेटा क्वेश्चन कर लिया था?